सो गाइस आईपीएल 2020 का 32वां मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी में खेला जाना है। और गाइस आज के वीडियो में बात होने वाली है दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, और एट द एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी टीम रहने वाली है जो कि 100% यहाँ पे मुकाबला जीत के जाने वाली है। सो गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है, दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन मुकाबला बनने वाला है क्योंकि गाइस दोनों टीम को यहाँ पे जीत की जरूरत है क्योंकि मुंबई इंडियंस जीतेगी तो ये प्लेऑफ्स के काफी ज्यादा करीब जाएंगे। और गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स अगर जीतती है तो इनकी भी जो दावेदारी है प्लेऑफ्स के लिए वो काफी मजबूत हो जाएगी। सो गाइस सबसे पहले बात होने वाली है प्लेइंग 11 की, तो एक बात ये जान लेते हैं कि आखिर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कैसे रहने वाली है। सो गाइस यहाँ पे कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चेंजेस मुंबई इंडियंस नहीं करने वाली है। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, मेजर ऑर्डर में आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और कायरन पोलार्ड। बॉलर्स की बात करें जेम्स पैटिंगसन, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में उतरने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे मुंबई इंडियंस कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी के ऊपर अगर फिटनेस इशू होता है तभी वहां पे कोई खिलाड़ी रिप्लेस करेगा किसी को, नहीं तो अगर सभी खिलाड़ी अगर 100% फिट हैं तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस कोई भी चेंजेस करने वाला नहीं है। सो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। सो गाइस कोलकाता की अगर बात करें तो ये पिछला मुकाबला अपना हार के आ रहे हैं और गाइस इसीलिए ये मुकाबला इन्हें अपने मोमेंटम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल, मिडल ऑर्डर में आने वाले हैं नीतीश राणा, ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और साथ में टॉम बेंटन या फिर सुनील नारायण में से कोई एक। बॉलर्स की बात करें तो कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हम बात करें तो प्लेइंग 11 में उतरने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे एक चेंजेस होना संभव हो सकता है, हो सकता है कि टॉम बेंटन को फाइनली फिर से बेंच पे बैठा दिया जाए और यहाँ पे सुनील नारायण की एंट्री हो जाए क्योंकि गाइस ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कोलकाता ने की थी पिछले मुकाबले में लेकिन इसका कोई इन्हें फायदा नहीं मिला था। टॉम बेंटन फ्लॉप हुए थे और कोलकाता नाइट राइडर्स को हार मिली थी और गाइस इसीलिए कोलकाता को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि वो अपने पुराने प्लान पे फिर वापस लौट आए। सो गाइस ये तो बात हो गई दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 की, अब हम लोग बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सो गाइस पिच रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि अबू धाबी का मैदान रहने वाला है, शाइक्स के जो बाउंड्री है काफी बड़े हैं और गाइस यहाँ पे अब जो बोल वाला है जो द्वितीय समय बोला है वो बॉलर्स का बोल है और गाइस इसीलिए 160 से लेकर 165 का स्कोर काफी ज्यादा इनफ रहने वाला है इस मैदान पे। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं हेड टू हेड की। हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो ये काफी बड़ा आपको मार्जिन लगने वाला है क्योंकि दोनों टीमों ने अभी तक मिला के 27 मुकाबले खेले हैं, मुंबई इंडियंस ने 21 मुकाबले जीते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स में 6 मुकाबले जीते हैं। हाँ गाइस यहाँ पे काफी बड़ा हमें जो कि गैप दिख रहा है और गाइस यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुंबई इंडियंस एक तरफा कोलकाता नाइट राइडर्स को हराते हुए नजर आई है दोनों के बैटल में। सो गाइस फाइनली बात करने वाले 100% प्रोजेक्शन में। सो गाइस इस मैदान में यानी इस मुकाबले में अगर मैं अपने प्रोजेक्शन करने वाला हूँ तो मैं जाने वाला हूँ मुंबई इंडियंस के साथ। हाँ गाइस क्योंकि हेड टू हेड की अगर आप बात करेंगे तो पूरा मोमेंटम जो है वो मुंबई इंडियंस की तरफ है और गाइस इसीलिए इस मुकाबले में जो मैं साथ देने वाला हूँ, जिस टीम के साथ रहने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये टीम जीतने वाली है और उस टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। गाइस फाइनली आप बताइए कि कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या प्लेइंग 11 में कोई भी और चेंजेस करने वाली है क्या आपकी टीम। दोस्तों आपके क्या है राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले के साथ।